ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल में बैंड गैप की। और यहाँ पे बैंड गैप क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है। यानी आउटर मोस्ट, जब दो एटम्स जो है आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, उनको एक साथ लाया जाता है, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, तो बॉन्डिंग में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाते हैं, उनको हम वैलेंस बैंड कहते हैं, और जहाँ पे वो गेन होता है उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ये दो टाइप का, यानी जो बीच में एनर्जी गैप बच जाता है उसको हम बैंड गैप कहते हैं। और ये दो टाइप का होता है, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो हम यहाँ पे यही इनडायरेक्ट बैंड गैप और डायरेक्ट बैंड गैप की यहाँ पे हम बात करने आए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है। और इस प्लॉट में आप देख रहे हैं गैलियम आर्सेनाइड और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हैं, जिसमें देखें कि आप डायरेक्ट बैंड गैप जो है वो गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम आर्सेनाइड का है। तो यहाँ पे जो बैंड गैप दिख रहा है, तो बैंड गैप कितना है, गैलियम आर्सेनाइड जो है बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के कंपाउंड्स मटेरियल हैं। यानी दो मटेरियल को हमने कंपाउंड किया है, एक थर्ड का है और दूसरा फिफ्थ ग्रुप का है पीरियोडिक टेबल में। इसी तरीके से हम जो है कह सकते हैं फोर्थ और फोर्थ ग्रुप के मटेरियल्स को कंपाउंड कर सकते हैं, सेकंड और सिक्स ग्रुप के मटेरियल को हम कंपाउंड कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल देते हैं, जैसे कि आप सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को जानते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं ये, फोर्थ ग्रुप के हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। और ये इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है इनमें, इनके बीच में जो बैंड गैप होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन में, जर्मेनियम में 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर पे रहता है। गैलियम आर्सेनाइड का 1.42 डायरेक्ट बैंड गैप है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंडियम आर्सेनाइड का है 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका जो बैंड गैप होता है ये होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है, आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। अब गैलियम आर्सेनाइड में आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, तो उसको हम कहते हैं रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब वो कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में वापस आता है लूजिंग सम एनर्जी, तो उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन, ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम जानते हैं क्या कि अगर जो बैलेंस बैंड का टॉप है और कंडक्शन बैंड का बॉटम है, ये जो है सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम जो है नहीं रखते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप में, और डायरेक्ट बैंड गैप में ये सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों डायग्राम में आपको डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम है और यहाँ पे सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम नहीं है। तो ये दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखें मोमेंटम में थोड़ा सा डिफरेंस है और यहाँ पे सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम है कंडक्शन और बैलेंस बैंड में, सेम एज आप यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे क्या है कि ये जब आप डायरेक्ट बैंड गैप में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में डायरेक्ट चला जाता है और बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, यानी रिकम्बिनेशन और जनरेशन के थ्रू, यानी मोमेंटम उसमें चेंज नहीं होता है, या स्लाइटली चेंज भी होता है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट बैंड गैप में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो मतलब मोमेंटम में चेंज करता ही करता है, उसके साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे लैटिस वाइब्रेशन भी होता है, जिसको हम फोनॉन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन यानी फोटॉन जो है, यानी इलेक्ट्रॉन जब
इंटरेक्ट होता है, पेयर बनाता है, तो वहाँ से क्या होता है कि फोटोन एनर्जी गेन करता है। और दूसरा प्रोसेस इसमें और हो जाता है कि लैटिस वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फोनॉन, ठीक है। और ये फोनॉन जो है ये या तो मोमेंटम को गेन करेगा और या मोमेंटम को लॉस करेगा। तो इस प्रोसेस को हम देखें तो यहाँ पे इस ये जो प्रोसेस हो जाता है ये जो है थ्री बॉडी इंटरेक्शन हो जाता है, और ये पार्टिकल थ्री बॉडी जो इंटरेक्शन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन फोनॉन और फोटॉन इंटरेक्शन, ये पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और अब मैं अगर मैं डायरेक्ट बैंड की बात करूं तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड से फॉल मतलब नीचे गिरते हैं और बैलेंस बैंड के एम्प्टी स्टेट में आकर के जब ज्वाइन होते हैं तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है इसको हम LED लाइट एमिटिंग डायोड में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई चीज़ लेकर के आएंगे। धन्यवाद।